नमस्कार दोस्तों, मैं सविताजलि मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि कोई आपका अपमान करे या आपको बेइज्जत करे या आपको नीचा दिखाए तो आप क्या करें, या कोई आपकी बार बार इंसल्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए, या कोई व्यक्ति आपको बेइज्जत कर रहा है तो उससे कैसे बचें, या ऐसा क्या करें कि सामने वाला आपका सम्मान करे आपको बेइज्जत ना करे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि आपके हितैषी होते हैं, जो आपका अच्छा सोचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप में जो कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेस हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप, यदि मैं नहीं रोकता हूँ या मैं नहीं रोकती हूँ मेरे अपने का, तो वो किसी और के सामने इंसल्ट फेस कर सकता है। तो वो चाहता है कि आप किसी तरह करेक्ट हो, अच्छे बने, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और व्यक्ति से ये इंसल्ट फील ना करें, ये भी हो सकता है। दूसरा, वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं या उनकी बार बार इंसल्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें एक नेगेटिव थॉट होती है, जो असुरक्षित होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यदि मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊंगा तो मैं ऊपर कैसे उठूंगा। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। कुछ उनमें जेलस की भावना होती है, उनकी जो सोच है, सोच का स्तर नीचा होता है वो सामने वाले को। वो सोचते हैं कि मुझे सम्मान कब मिलेगा, जब सामने वाले का अपमान होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो इस तरह सामने वाले को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, पहले तो ये डिफाइन करना होगा। हो सकता है एक आपका बहुत अच्छा मित्र हो, पत्नी हो, सिस्टर हो आपकी, आपके माँ बाप हो, जो आपको इंसल्ट का मतलब है आपको कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको अपमानजनक लग रहा है, लेकिन वो आपके हित के लिए है। तो उनका बुरा ना माने और कोशिश करें कि अपने आप में सुधार करें। सामने वाला जो आपको बोल रहा है वो आपका अच्छा है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यदि वो सच बोलकर आपको कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके हित में करना चाहते, तो आप उनकी सलाह लें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। अपने ईगो को हर्ट ना करें, ऐसा ना समझें कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। अब रहे दूसरे टाइप के लोग जो आपकी इंसल्ट करने में लगे हुए हैं बेवजह। तो कहते हैं कि यदि आप एक बार इंसल्ट को सहन करते हैं तो ये आपकी सहनशीलता है, दूसरी बार करते हैं तो ये आपकी महानता है, पर यदि आप तीसरी बार करते तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को रोक लगाना पड़ेगा ताकि वो आपकी बेइज्जती बार बार ना कर सके। आपको ये जताना होगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि वो व्यक्ति आपकी फैमिली से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी सास है, ननद देवरानी है, यदि आप वहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उनका जवाब क्रोध में देते हैं तो आपके घर में कलह बन जाएगा। तो वहाँ पर आपको रोक लगाना है, तो आपको अपनी बात को अपने विचारों के द्वारा कूल होकर आराम से रखनी होगी कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको जवाब देना होगा तर्क वितर्क के द्वारा। तो इस तरह आप वो हो सकते। यदि यही दूसरा व्यक्ति है, आपको एक दो बार इग्नोर करना है, तो आप रिएक्ट ना करें। मूर्ख व्यक्ति के सामने क्या आप वो करेंगे, एक दो बार आप रिप्लाई ना करें, इग्नोर करें। यदि यही चीज़ अपनी फैमिली में है कि वो जानबूझकर आपको हिट कर रहा है, तब भी आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपको एक दो बार तो इग्नोर कर ही सकते हैं कि आपके घर में मनमुटाव ना हो और चीज़ों को लाइट लेकर छोड़ सकते हैं, पर आगे होता है तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो कई बार ये होता है कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो आपको पोक कर रहा है, बार 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 आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसको भाव ही ना दें। कहने का मतलब है कि आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। सामने वाला इंसल्ट आपकी तब कर पाएगा जब आप उस इंसल्ट से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपको इफ़ेक्ट हो रहा है उसका। सामने वाला आपको मजाक उड़ा रहा है और आप यदि उसके सामने उस तरह जता ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, निकल ले रहे हैं, तो उसका इंसल्ट उसी को लगेगा, आप तक नहीं आएगा और वो खुद ही नीचा महसूस करेगा। यदि सामने वाला आपको गाली बक रहा है, आपको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इग्नोर करके निकल ले रहे हैं, तो उसकी गाली उसी को लगेगी। तो ये भी एक तरीका कि आप कूल होकर सामने वाले को इग्नोर करते हुए या उसके जो मजाक वो उड़ा रहा है उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना देते हुए उसको खुद ही बेइज्जत महसूस करा सकते हैं। शांत रह के, अगला है, शांत रह के भी आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जवाब नहीं देना है।
मेरा कहना है शालीनता से अपने शब्दों में अपनी भाषा में आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला तू तड़ाक करके आपको बोल रहा है या अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसका जवाब उसकी लैंग्वेज में दें, ज़रूरी नहीं है। आप शांत होकर अपनी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। कुछ लोग होते हैं कि बस इसी में लगे रहते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में ही हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आप इग्नोर कर दीजिए, आप वहाँ से निकल लीजिए। आपकी फैमिली में कोई आया कि अरे तू तो ऐसी है वो है ये है, आप निकल लीजिए। वो एक बार करेगी, दो बार करेगी, तीन बार करेगी, चौथी बार अपने आप ही छोड़ देगी या छोड़ देगा, क्योंकि उसको भी लगेगा सामने वाला तो वो जो जिस पर्पज़ से कर रहा है कि वो चाहता है या घर में लड़ाई हो या वो तर्क वितर्क हो, गुस्से में कुछ आप अपशब्द बोले हो, उसका फ़ायदा उठाए और या फिर वो आपको जो रिएक्शन चाह रहा है वो आप दे देते हैं तो वो तो सक्सेस हो गया, तो आप इग्नोर कर दीजिए। तो वो उसने जिस मकसद से आपको बोला है कि आपको नीचा दिखाना है ताकि आप किसी तरह का अपशब्द यूज़ करें और उसका पलड़ा भारी हो जाए, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, तो उसको जो चाहिए था वो मिलेगा ही नहीं, इस तरह आप बच सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगला है कि कई बार ये भी होता है कि गलत फहमी में हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारी बेइज्जती की, पर ये भी हो सकता है वो किसी तरह से आपको कुछ कहना चाह रहा है कि हो सकता है आपने वो काम नहीं किया है, सामने वाला आके आपको जता रहा है कि आपने ये नहीं किया है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपने किया है, पर सामने वाले को पता नहीं है कि ये भी हो सकता है कि सामने वाले को पता नहीं कि आपने किया है काम, उसको वो अनजाने में है, तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। यदि ऐसा कुछ और आपको लग रहा है कि सामने वाला किसी गलत फहमी में आकर आपको बेइज्जत महसूस कर रहा है, आपको किसी तरह का अपशब्द या नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्लियर करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कि हर जगह झगड़ा करने से हल करना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि जिस तरह आप उस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति है तो आपको उससे क्या लेना देना है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए और जिस तरह से वो आपको नीचे दिखा रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर आपकी नॉलेज को लेकर, मेरा ये कहना है कि यदि आपको रोकना है तो आप इसको बदलिए। बदलिए का मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से बदलिए, आप सम्मान कब पाएंगे आप पहले इस बात पर गौर फरमाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका अपमान कर रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो सम्मान आप कब पाएंगे, जब आप सम्मान के लायक होंगे। तो आप इस लायक बनकर दिखाइए, इस मुकाम पर पहुंचिए कि सामने वाला आपके इंसल्ट ही नहीं कर सके, आप में वो काबिलियत होगी सामने वाला आपको बेइज्जत ही नहीं कर सके। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? तो दोस्तों, ये आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, अपने आप में डेवलपमेंट लाइए, फाइनेंशियली, पर्सनालिटी से, आपके विचारों से, नॉलेज से और हेल्थ से, हर तरह से आप अपने आप को इस ओहदे पर लेके आइए कि ना चाहते हुए भी आपका जो दुश्मन है, आपको जो नीचे दिखाने वाले लोग हैं, वो खुद आकर आपका सम्मान करें। आप इस लायक बनिए, आप में तर्क करने की ऐसी शक्ति हो कि सामने वाला किस व्यक्ति को ज़्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जो कमज़ोर होता है, जो वीक होता है, जिसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती, जिसमें जवाब देने की क्षमता नहीं होती, उसी व्यक्ति को बार बार, जो इस टाइप के सेकंड वाले लोग होते हैं जो मैंने आपको बताया, एक आपका हितैषी है, दूसरा वो है जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जबरन में, तो वो लोग उसी व्यक्ति को करते हैं जो वीक होता है, किसी न किसी तरह से वीक होता है। तो आप अपने आप को इतनी सक्षम बनाइए कि सामने वाला आपको तर्क करके सामने वाले को हरा दें, या सामने वाले के पास ऐसा कुछ ही ना बचे कि वो आपको कुछ नीचा दिखाए या बेइज्जत करे। तो मेरा कहना है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लाइए। सम्मान किसका किया जाता है? आप देखते हैं कि जो उच्च स्तर पर होता है किसी भी मामले में, कि वो किसी तरह से तरक्की पा चुका है या उसके थॉट इतने अच्छे हैं कि वो जो जवाब देता आप भी उसके फ़ैन हो जाते हैं, या कहने का मतलब है कि वो इस ओहदे पर पहुंच गया है कि आप ना चाहते हुए भी, यदि आपको उसको पसंद भी नहीं करते थे फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, अपने चरित्र से, अपने गुण से, अपने स्वभाव से उसका दिल जीतिए कि वो आपकी बुराई कर ही नहीं सकता है, आपको इंसल्ट कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ कारण बताए, कुछ लोगों के बारे में बताया कि किस तरह से होता है, आप किस तरह से बच सकते हैं या किस तरह से इग्नोर करके ऐसे लोगों की बातों में ही नहीं आए। आप इग्नोर करेंगे तो भी उनका अहम उनको ही खा जाएगा। तो इस तरह आप अपने आप को बेइज्जत होने से बचा सकते हैं या ऐसे लोगों को रोक सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसको आप अपना कर ये इसका बचाव कर सकते हैं। और यदि आपको भी कुछ सलाह देनी है इस मैटर पर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ मेरे पॉइंट्स अच्छे बुरे लगे हों तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा,
और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप मेरे वीडियोस को देख सकें। और कुछ आपको मेरे से एडवाइस चाहिए, कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।